हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी की सुजेशन से हम ये वीडियो लाकर आए हैं। हमारी टीम को आपने इस वीडियो के रिगार्डिंग बहुत से कमेंट किए थे, इंस्टाग्राम पर मैसेज आए थे और यूट्यूब पर आए थे। उन सभी कमेंट्स के आधार पर ही हमने ये वीडियो बनाई है। आपने कहा था कि रिटन टेस्ट के लिए या सिलेबस या आप इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिएगा। दोस्तों, आपको ये टॉपिक ऐसे हैं, आपको ये स्किप नहीं करने हैं यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है, एचपी पुलिस की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलिए मूव करते हैं पहली स्लाइड की ओर। दोस्तों, आपको पता है आपके जो एचपी पुलिस में हैं होते हैं आपके पांच सेक्शन। आपको पांचों सेक्शन का अलग अलग इसमें सिलेबस या इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो वो बताए जाएंगे। चलिए मूव करते हैं पहले सेक्शन की ओर। पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश का सेक्शन। जो भी आपको इस स्लाइड में टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, इसमें कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है यहाँ से आएंगे आपको 16 क्वेश्चन और 16 ही मार्क्स होंगे, ठीक है। आर्टिकल, नरेशन, क्लोज टेस्ट, नाउन, कंजक्शन आपका हो गया, प्रनाउन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, सिनोनियम, एंटोनियम, एडवर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस, इडियम और फ्रेजेस, वॉइस, स्पेलिंग टेस्ट और पैराग्राफ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके टॉपिक ऐसे हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है, ठीक है। आपके जो एरर आते हैं ना, आपने सोचना है कि यहाँ पर एरर, कॉमन एरर क्यों नहीं लिखा, बिकॉज कॉमन एरर जो होता है जहाँ आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होते हैं, जितने भी आपके फिलप्स होते हैं ना, वो आपके या तो आर्टिकल से कवर होते हैं या आपके नाउन, प्रनाउन, ठीक है, या तो इनसे, फिर प्रपोजिशन, आपके टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनसे ही वो चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। आपको ये अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। नेक्स्ट आपकी स्लाइड की ओर चलते हैं। आपकी स्लाइड नेक्स्ट है आपका हिंदी सेक्शन। हिंदी सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, बिकॉज यहाँ से नंबर कटने का बिल्कुल 0% चांस है। यदि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हैं तो आपका नंबर एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। आप यहाँ से 16/16 ले सकते हो यदि आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हैं। पहला टॉपिक है आपका वर्ण, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय व फिर अव्यय, फिर आपका हो गया संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, फिर आपका हो गया विलोम शब्द, वाक्य भेद, वाक्यांश के एक शब्द, फिर आपके मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ होंगी, रस, अलंकार। ये भी टॉपिक ऐसे हैं कभी ना कभी क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। रिपीट क्वेश्चन इन्हीं से आपको आएंगे, ठीक है। आपको जितने भी स्लाइड में आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना होगा। वहाँ पर उन सभी का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। आपको हिंदी कंप्लीट हो गया, देन मूव करते हैं मैथ्स और साइंस सेक्शन की। आपको पता ही होगा यदि आप रियल एस्पिरेंट हो, मैथ के आते हैं आपके 8 क्वेश्चन और साइंस के भी आते हैं 8 क्वेश्चन, दोनों के मिलाकर आते हैं आपके 16 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ की पहले डिस्कशन करते हैं। आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी, नंबर सिस्टम हो गया, हिंदी में बोलते हैं आपकी संख्या पद्धति, एवरेज, औसत, इस प्रकार से लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पट्टा, काम और समय, फिर आपकी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रतिशत। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका साइंस सेक्शन की ओर। दोस्तों, साइंस सेक्शन आपके आते हैं लगभग 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं, ठीक है। आपके सबसे जाते आते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। आपको फोकस रखना है सबसे ज़्यादा, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना होगा बायोलॉजी सेक्शन पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसे आपके 8 क्वेश्चन हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी से लिए जाते हैं पुलिस ने, ठीक है। तो आपको
इसके लिए बुक देख लेनी है, या तो लूसेंट या कोई भी आपकी बेसिक बुक हो या साइंस की, वहाँ से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं एचपी पुलिस के लिए। मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका, पहले देख लो इसमें आपने पढ़ना है केमिस्ट्री के, आपने फार्मूले लर्न करके जाना है मेनली, और इसमें आपने यूनिट्स होगी आपके, साउंड टॉपिक हो गया, वर्क टॉपिक हो गया, आपने इस प्रकार से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपने वो कवर करने हैं। बायोलॉजी का आपको पता ही है, जितने भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सिस्टम सभी कवर करने हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग का भी ऐसा ही हिसाब है जैसा आपका हिंदी का है, हिंदी और रीजनिंग आपके यहाँ से नंबर जो हैं वो 16 के 16 फुल बटा फुल चांस होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका एनालॉजी, फिर आपका क्लासिफिकेशन, फिर आपका हो गया कोडिंग या डिकोडिंग। जो आपके ये हाईलाइटेड टॉपिक हैं, जो आपके ऐसे टॉपिक हैं इनमें से लगभग 2-2 या 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही टॉपिक से। फिर आपका हो गया ब्लड रिलेशन, एक क्वेश्चन आता है, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता है, क्लो का एक क्वेश्चन आता है। फिर आपका हो गया डायरेक्शन सेंस, इसमें आपने देखना होता है कि बंदा बताया होता है कि नॉर्थ में जा रहा है, 10 मीटर चलता है, साउथ में जा रहा है, आपको क्वेश्चन करवाया भी दिए हैं हमारे YouTube चैनल में, आपने देखना है एक बार। नेक्स्ट पजल्स वही है, चॉकलेट और एरोप्लेन्स वाला क्वेश्चन जो 2019 में आपको देखने को मिला था, इस बार शफल भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि वो आएंगे ही आएंगे आपके। नेक्स्ट ओड वन आउट सीरीज़, रैंकिंग के क्वेश्चन, रैंकिंग के वही क्वेश्चन हैं जो आपको मॉक टेस्ट पेपर में बार बार कराए जाते हैं हिमरक्षक टीम की द्वारा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट डिक्शनरी, डिक्शनरी के वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ब्लड हो गया, फिर क्लासिफिकेशन शब्द हो गया, फिर कोडिंग हो गया, इसमें आपने अरेंज करना है कि सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा शब्द आता है, जैसे बी सी फिर सी, बी आएगा सबसे पहले, ब्लड मीन्स सबसे पहले आएगा, फिर को और क्लासिफिकेशन में देखेंगे सबसे पहले आएगा सी ओ फिर सी एल, ठीक है। इस प्रकार से आपने अरेंज करने होते हैं। देन सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता ही है, आपको बार बार करवाए जाते हैं हमारे मॉक टेस्ट पेपर में, ये क्वेश्चन आपको समझाए जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जीके सेक्शन की ओर। दोस्तों लास्ट सेक्शन है आपका, इसमें भी आपके लगभग 16 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सेक्शन आपका सबसे अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन होता है, जो इस सेक्शन में नंबर खींचता है उसके सिलेक्शन के चांस जो हैं वो 100% हो जाते हैं। इसमें आपके पूछे जाते हैं हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर आपके आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं जुलाई से लेकर, जुलाई 2021 से लेकर आपने जनवरी 2022 तक पढ़ने हैं करंट अफेयर। नेक्स्ट एचपी जीके से भी आपको यही पढ़ना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एचपी की भी पढ़नी है और आपने इंडिया लेवल की भी पढ़नी है, वर्ल्ड की छोड़ दीजिए, ठीक है, वर्ल्ड की नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड मत छेड़िए, पहले आप इन दोनों को ही पक्का कीजिए, ठीक है, हिमाचल की और आपकी इंडिया लेवल की, दोनों को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। दोस्तों होता क्या है, हम इस वक्त जो हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं कि तैयारी में हमने ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। दोस्तों लिमिटेड रखो अपने सिलेबस को, यदि आप लिमिटेड रखोगे तो आप देखो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप वर्ल्ड को भी हाथ मारोगे, हो सकता है आपको एचपी जीके का छूट जाए, चाहे इंडिया का छूट जाए, इनसे क्वेश्चन तो कन्फर्म है। वर्ल्ड का ऐसा है कि आपका जो है वो क्वेश्चन कन्फर्म नहीं होते कि आने ही आने हैं। इंडिया की लेवल की बात करें या एचपी लेवल की बात करें तो इनके क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं, ठीक है। मेनली आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स हो गया, तो सबसे ज़्यादा आपको जियोग्राफी पर फोकस करना है, ठीक है। जो भी आपका सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, स्टैटिक जीके भी आप ऐड कर लीजिए, वो भी इसमें आता है स्टैटिक जीके, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, यदि आपको अच्छी लगी तो ही आपने लाइक करना है, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, एचपी पुलिस की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना चाहिए। यदि आप हमारे साथ
इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पर डाउट्स पूछने की फैसिलिटी दी जाती है। आपको जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप निश्चित रूप से यहाँ पर पूछ सकते हो। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या कोई भी अनदर मॉक टेस्ट पेपर हो गए या कुछ भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े। इन सभी का लिंक जो है तीनों का वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।